तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप। ये टॉपिक उठाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं बड़े सिंपल वे में कहूंगा कि एक लैंग्वेज क्या होती है। पहले सब सोचिए, देखिए लैंग्वेज क्या होती है, ऐसे शब्द मिलके जो एक भाषा बनाए जिससे कि हम अपनी बात सामने वाले को समझा सके और सामने के वाले की बात समझ सके, वो एक लैंग्वेज बन जाती है। तो एक लैंग्वेज बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी, शब्दों की। शब्द क्या होंगे हमारे लिए, कि जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो सारे शब्द काखा का सारे इन शब्दों से मिलके, इन शब्दों से मिलके पूरी की पूरी एक लैंग्वेज बन जाती है, जोड़ जोड़ के आगे जाके वर्णमाला सब आप ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को। तो ऐसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, देखिए कंसेप्ट हम कर रहे हैं किसका, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मतलब सिंपल सी ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सके, वो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो प्रोग्राम की हेल्प से हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि भाई तुम्हें क्या काम करना है, मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ करके दो, सब चीज़ें प्रोग्राम्स के हेल्प से। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप देखने भी बैठे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैंने देखी डेफिनेशन दी हुई है, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया था। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करना है और कुछ नहीं, सीधा का सीधा डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ फाइल है, प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए अपने हेल्प के लिए, चाहे मोबाइल में रख लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत काम आएंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर मैंने लिखा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अंदर देखिए मैं बताता हूँ आपको कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आ गई आई होप, कि कंप्यूटर को समझाने के लिए जो लैंग्वेजेस की जरूरत पड़े वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होती है, आप एक तरीके से मान के चलिए। वैसे सिर्फ आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन ही समझता है और दोस्तों से कुछ समझ में नहीं आता, मगर उससे पहले भी कुछ ऐसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है कि ताकि वो सिस्टम को फास्ट कर सके या अपनी चीज़ों को और तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, तब जाके वो मशीन की फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, आप समझ लीजिए। अभी अभी आएगी पॉइंट है इसका पूरा, जो हम 01 कहते हैं वो एक मशीन लैंग्वेज होती है, तो वो कंप्यूटर हमेशा यही समझता है। तो चलिए अब आगे करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। देखिए मशीन लैंग्वेज इसका सबसे पहला पॉइंट है। देखिए मशीन लैंग्वेज मैंने जैसे पहले लिखा है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज विच इज अ मशीन लैंग्वेज, वो सिर्फ अपनी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, जो कि किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे। अब हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है वो थोड़ा सा हम बाद में करेंगे, बट आप ये मान लीजिए कि जैसे आपने करेक्टर में लिखा ए, अगर एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से ए की वैल्यू हम कह दें कि 011 है, तो हो सकता है दूसरे हार्डवेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से उस ए की वैल्यू कुछ और हो 01 के फॉर्म में। तो ये एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर का अलग होता है, उसे बनाया जाता है ताकि इस सिस्टम को थोड़ा फास्ट कर सके। तो अब देखिए कि एक मशीन लैंग्वेज क्या, मैंने आपको बताया कि क्या होती है कि 01 की फॉर्म में होती है और कंप्यूटर सिर्फ इसे ही समझ सकता है। जब वो जैसे ही सीपीयू को कोई कमांड उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज की फॉर्म में मिलेगी, वो उसको देखेगा कि इसका मीनिंग क्या और सीधा का सीधा उसका आउटपुट जनरेट कर देगा या अपना टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो देखिए मैंने एग्जांपल में बड़ा मैंने पूरे ट्यूटोरियल में कोशिश यही की है कि जितना हो सके डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाऊं, कि डायग्राम की फॉर्म में चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है बच्चों को। तो देखिए डायग्राम की फॉर्म में मैंने सिंपल सा ऐसा ही खुद बनाया है कि ये पहले लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें मैंने लिखा सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कुछ ऐसी कमांड्स हमने कंप्यूटर लैंग्वेज की फॉर्म में टाइप करी है जो सीपीयू ही समझ सकता है मेन तो, या बनाने वाला ही। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने लिख दी है, अब वो गई सीपीयू के पास, सीपीयू ने क्या किया इसे मशीन लैंग्वेज को समझा और इसका एक आउटपुट जनरेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ज्यादा ही ऊपर चला गया सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज क्या आती है, असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ आपको कि एक असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे आपके काफ़ी सिलेबस में कई बार यूज़ हो सकता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। देखिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स के माइक्रो प्रोसेसर हो गए, टीवी का रिमोट हो गया, ऐसे ये सब क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कोई ना कोई लैंग्वेज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनके अंदर डिवाइस के अंदर चिप लगी होती है, प्रोसेसर्स लगे होते हैं, इनको भी कुछ ना कुछ समझ, एक इंस्ट्रक्शन बटन दबाते हो कि 1 to 9 ये इस चैनल पर जाओ, तो उसको समझाना तो पड़ेगा ना 1 to 9 का मतलब क्या है, कैसे आगे जाना है, तो सब कोडिंग होती है। तो
ऐसी लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज मतलब जो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर या अदर डिवाइस समझ सके, उन्हें हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। देखिए पहले हमने किया मशीन लैंग्वेज जो 0-1 की फॉर्म में होती है, बट आगे जाके हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमें एक नई लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जिसे हमने असेंबली लैंग्वेज कहा, जो कि किस फॉर्म में होती है पहले देखिए, जो 0-1 की फॉर्म में नहीं, ऐसे कोड्स की फॉर्म में होती है, गो जंप रन एड्रेस। फिर ये आगे जाके ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझानी है, हमने डिवाइस को समझानी है, डिवाइस को तो सिर्फ 0-1 ही आएगी ये समझ के चलिए हमेशा, चाहे जो मर्जी डिवाइस ले लीजिए तो उसको 0-1 ही आती है। ये लैंग्वेज क्या होगी, असेंबली लैंग्वेज, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी हमारी मशीन लैंग्वेज में। बट इसके लिए हमें कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी, असेंबलर की जरूरत पड़ी। तो असेंबलर भी हम करेंगे आगे कि क्या होता है, बट ये समझ के चलिए असेंबलर एक तरीके की भी लैंग्वेज ही होती है जो कन्वर्ट करती है हमारी असेंबली लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन को सिर्फ 0-1 ही समझ में आता है, हमारे कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता, बाकी सब उसके लिए कहते हैं ना, कहते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की वैल्यू ही होती है कंप्यूटर, 1 की वैल्यू होती है, इसको और कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो लो लेवल, हाई लेवल, मिड लेवल, ये हमने बना रखी है, ये लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज हमने आगे बना रखी है, इसका भी हम टॉपिक करेंगे आगे जाके कि एग्जैक्टली ये क्या होती है। तो नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सी लैंग्वेज जो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज की डिमांड नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा इसका फीचर क्या है। देखिए सबसे पहले ये हमारे प्रोसेस को फास्ट कर देगी, दूसरा कि ये इसकी वो इस हमारी जो कॉमन लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज, वो उसकी सारी कमांड्स इसी लैंग्वेज बेस पे है कि बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि कोई 0-1 ईयर्स को नहीं समझ सकता मशीन लैंग्वेज को, या असेंबली लैंग्वेज को भी कोई यूज़र नहीं समझ पाता। तो हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इस तरीके से लिखी गई कि वो जिसके अंदर, उसके अंदर जो भी कमांड्स है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो और वो हमारे सिस्टम, हमारे प्रोसेस को फास्ट कर सके। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और देखिए क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ मैंने जावा स्क्रिप्ट, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे सिस्टम को या हमारे प्रोसेस को बहुत जल्दी फास्ट करती है। कैसे देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें मशीन लैंग्वेज हमारी 0-1 फॉर्म में होती है, और उस जब हमने असेंबली लैंग्वेज में आए तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें एक असेंबलर की जरूरत पड़ी जो कि कन्वर्ट कर सके हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। फिर अब आई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, अब इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या कहा, सिस्टम समझता सिर्फ 0-1 है और कुछ नहीं समझता, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने इंटरप्रिटेटर की जरूरत पड़ी, जो एक असेंबलर की तरह ही प्रोग्राम होता है जो कंपाइल नहीं करता, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपाइलिंग का मतलब होता है एरर निकालना या कुछ और भी उसके टास्क होते हैं, वो नहीं करता, सीधा का सीधा वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा और एक हमारे पास सीधा का सीधा सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा कंपाइल किए बिना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगेगा आपको, मगर जब जैसे जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आपको इस चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो सिंपल आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये देखना है कि इसकी जरूरत क्या थी, क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हम अपने प्रोसेस को फास्ट कर सके और ऐसी लैंग्वेज में उसको टाइप कर सके, लिख सके जो बहुत ईजिली समझ में आ सके। इसका एग्जांपल मैंने आपको सी लैंग्वेज भी दिया हुआ है और एक जावास्क्रिप्ट भी बताई है, और इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटरप्रिटेटर की भी जरूरत पड़ी, और आगे जाके इसे और भी, मतलब जैसे जैसे इसके अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंटरप्रिटेटर की ही जरूरत पड़ती है, और भी चीज़ें है एक बुक में नहीं लिखी होती, जब आप आज ऑनलाइन सर्च करोगे तब जाके आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए जैसे कि मैंने डायग्राम के अंदर आपको बताया हुआ है कि पहले मैंने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज शॉर्ट में HLL, जब वो बनी तैयार हुई मतलब कोडिंग हुई तब उसे हमने इंटरप्रिटेटर की हेल्प से कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरप्रिटेटर की जरूरत पड़े, कई बार होता है हमें कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है, कई बार असेंबलर भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो डिपेंड करता है कई बार। तो इंटरप्रिटेटर से हमने कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में, देन हमने कन्वर्ट किया उसे अपने CPU के पास गया, वो देखिए मशीन लैंग्वेज है वो CPU के पास गया, मतलब CPU के लिए इनपुट किया है मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस, अब CPU ने उसे समझा और आउटपुट जनरेट किया और आउटपुट हमें दे दिया। तो ये सिंपल से एक मैंने एक लाइन में डायग्रामेटिकली बताया कि हाई लैंग्वेज का प्रोसेस कैसे चलता है। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही है, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सी चीज़ें आने बाकी है। मैंने बहुत जो सोचा हुआ है इस टॉपिक्स के अंदर कि कैसे, पहले मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर करवाना है, फिर मैंने इसको DBMS करवाना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है ये, और उतना ही ईजी भी है अगर ढंग से किया जाए। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल्स के भी मेरे पास नोट्स रखे, धीरे धीरे मैं सब डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें बस, ठीक है? थैंक यू।